सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अच्छी जिंदगी जीने के लिए जिंदगी को फील करो, ना कि जिंदगी के साथ डील करो। खुद को माचिस की तीली ना बनाओ कि थोड़ा सा संघर्ष से आप सुलग जाओ, पर खुद को वो शांत सरोवर बनाओ जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद बुझ जाए। जिंदा रहो जब तक, लोग कमियां ही निकालते हैं, मरने के बाद जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। आज का पंचांग 16 अप्रैल 2020 दिन गुरुवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, शाम 6:11 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र रात्रि 11:16 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 1:35 से 3:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:36 से 12:27 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। धनु राशि 16 अप्रैल 2020 दिन गुरुवार, आज आपको कूटनीति की आवश्यकता है, जहां आप खुद को दुश्मनों से घिरा हुआ महसूस भी कर रहे हैं। आज आप अपने परिवार के साथ अच्छे समय बिता पाएंगे, अपनी चिंताओं को उनसे बांटें, रचनात्मक या आध्यात्मिक गतिविधियों का आनंद लें। आज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यहां तक पहुंचने में आपने बहुत मेहनत की है। ऐसी चीजें ना खरीदें जिनकी जरूरत ना हो। भौतिक सुरक्षा को लेकर अधिक भावुक रहें, खर्च कम करें जो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक ओर शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, परंतु आपको मेहनत करना जारी रखना होगा। इस दौरान आपको भविष्य में जरूर सफलता मिलेगी। आज के दिन आपके लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है। आप अपने फैसले खुद करने के लिए प्रेरित होंगे। आपको खुद के हिसाब से चलने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। लोग आपको इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। किसी भी तरह के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप तैयार रहेंगे। प्रेम और स्नेह का भाव आज आपके अंदर काफी रहेगा। दिन आनंद देने वाला रहेगा। सावधानियां, परिवार के लोगों से सौहार्द की भावना की कमी होगी, जिसकी वजह से परिवार में अशांति फैल सकती है। ऐसी स्थिति में आपको ही बात बिगड़ने से रोकना होगा। आप अपने कार्य में व्यस्त रह सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो आपको अगर कोई सलाह या लेक्चर देता है तो इसका मतलब है कि वो आपसे प्यार करता है, अन्यथा आजकल किसी के भी पास दूसरे के लिए टाइम नहीं है। आपके साथी को आपकी फिक्र है और वो हर तरह से आपकी मदद करना चाहता है। उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाकर आप अपने जीवन की मिठास कम कर सकते हैं, यह ना करें। करियर की बात करें तो दुश्मनों से आप कुछ समय तक विचलित हो सकते हैं, किंतु आपके इरादों को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। दिनचर्या में परिवर्तन करके आप अपने शरीर को रोग मुक्त बना सकते हैं। याद रखें, सार्वजनिक संबंध अधिक समय लेते हैं, लेकिन यह अधिक फायदेमंद भी होते हैं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और बिना विचलित हुए आगे बढ़ते रहें। सेहत की बात करें तो आँख में परेशानी हो सकती है, आप डॉक्टर को दिखाएं। ज्यादा देर तक टीवी या कंप्यूटर के सामने बैठने से आंखों पर दबाव पड़ता है, अपनी आंखों को आराम दें। आज आप ज्यादा से ज्यादा गाजर और उन फलों को खाएं जिनमें विटामिन डी की मात्रा अधिक पाई जाती है। आज का उपाय, आज आप तुलसी पर जल अर्पित करें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।